सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय और विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। समय हो गया है यूपी की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। चलिए रुक करते हैं यूपी की बड़ी खबरों की ओर। लखनऊ के सरोजनी नगर विधायक राजेश्वर सिंह ने युवाओं की प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में विधायक राजेश्वर सिंह की ओर से स्पोर्ट्स लीग का आयोजन किया जा रहा है। अब ग्रामीण क्रिकेट चैंपियनशिप की शुरुआत हुई है। वही स्पोर्ट्स लीग के बारे में जानकारी देते हुए विधायक राजेश्वर सिंह ने कहा कि खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा मौका मिले, यही हमारी कोशिश है। इसी के साथ उन्होंने निकाय चुनाव को लेकर कहा कि बीजेपी गांव गांव में काम कर रही है, निकाय चुनाव में बीजेपी ही जीतेगी। मेरा मानना है युवा के दो स्थान हैं, या तो स्कूल में पढ़ाई करे या खेल के मैदान में रहे। उसका समय दो जगह व्यतीत होना चाहिए, पढ़ाई में या खेल में। जितना युवा स्वस्थ होगा, खेल से मजबूती आती है, मेंटली भी स्ट्रांग होता है, फिजिकली भी स्ट्रांग होता है। और हमारा हिंदुस्तान युवाओं का देश है, जितना युवा हमारा मजबूत होगा उतना हमारा देश तरक्की करेगा। इसीलिए लगातार हम स्पोर्ट्स लीग करा रहे हैं, वॉलीबॉल, इससे पहले बास्केटबॉल लीग भी या क्रिकेट लीग चल रही है। खबर बुलंदशहर से है, जहां बाबू बनारसी दास जनसेवा ट्रस्ट की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। वही ट्रस्ट के सचिव अरुण शर्मा ने जिला अस्पताल में नव निर्मित मेडिकल का नाम पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर रखे जाने पर सहमति जताई है। इसी के साथ उन्होंने बाबू बनारसी दास जिला अस्पताल का नाम परिवर्तित करने पर भी आपत्ति जताई। वही प्रेस कॉन्फ्रेंस में सचिव अरुण शर्मा ने कहा कि जिला अस्पताल और महिला अस्पताल का नाम ना बदला जाए, अगर ये सब होता है तो एक बड़े स्वतंत्रता सेनानी का अपमान होगा। बाबू बनारसी दास महान स्वतंत्रता सेनानी, लोह पुरुष, जनपद बुलंदशहर के ही निवासी, हमारे प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, हमारे प्रदेश जनपद लोकसभा बुलंदशहर के सांसद रहे, हमारे विधानसभा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रहे, राज्यसभा के स्पीकर रहे। स्वतंत्रता सेनानी बाबूजी हमारे बाबू बनारसी दास जी, उनके स्वर्गवास 1985 में हुआ। उसके बाद तत्कालीन राज्य सरकार ने बाबूजी के योगदान को आज़ादी की लड़ाई में उनके द्वारा लड़ी गई लड़ाई के आधार पर जिला चिकित्सालय बुलंदशहर का नाम बाबू बनारसी दास चिकित्सालय रखा था, जो हमारे संज्ञान में आया कि एक जनपद बुलंदशहर में जो मेडिकल कॉलेज पारित हुआ है, प्रस्तावित बन रहा है। खबर सुल्तानपुर से है, जहां पुरानी रंजिश में युवक को गोली मार दी गई और युवक को गोली मारने के बाद बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गए। वहीं घायल युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। यहां घायल की गंभीर हालत को देखते हुए उसे डॉक्टरों ने लखनऊ के लिए रेफर कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने जाँच के आदेश दे दिए हैं और बाइक सवार हमलावरों की तलाश भी शुरू कर दी गई है। रेजिडेंट ऑफ रेडरसा बल्दी राय, मरीज़ बल्दी राय सीएससी से रेफर हुआ है। उनको हिस्ट्री है कि उनको गन शॉट इंजरी है, जो कि उसके साथ वो बाइक से गिर गए हैं, जिसकी वजह से उनकी राइट साइड की छाती में चोट आई है, जिसकी वजह से वो सांस भी नहीं ले पा रहे हैं और उसमें मुझे लग रहा है कि उसमें खून भर गया है, इसकी वजह से मुझे उनको लखनऊ रेफर करना पड़ रहा है। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा डॉक्टर अमित कौशिक। मामला हमारे बिटिया की हत्या हो रही और जो नामजद मुलजिम रहे उमर से, दो नाम निकलवा ले रहे, उनके पैर भी करते ही वो लोग है, वही चाहता है कि पैर भी ना करे, यही मामला है। ये कितने बजे की घटना है? 10:15 के आसपास की घटना है। तीन लोग मोटरसाइकिल से रहे, एक के मोटरसाइकिल से तीन लोग रहे, मुँह बांधे रहे, केवल दुश्मनी है जानते ही। प्रतापगढ़ के मांधाता थाना क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। दरअसल बाइक सवार तीन बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर लूटपाट की। बता दें कि किसान सेवा पेट्रोल पंप को बदमाशों ने निशाना बनाया और सेल्समैन को लहूलुहान कर बदमाश फरार हो गए। वही लूटपाट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। बुलंदशहर में फिल्मी अंदाज में व्यापारियों को चूना लगाने वाला नटवर लाल पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। पुलिस ने कब्जे से भारी मात्रा में फेविकोल,
पेंट की बाल्टी, पंखे, एक जिंदा तमंचा और दो जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। वही पकड़ा गया शातिर मेरठ का रहने वाला है, जिसका नाम अरुण जैन बताया गया है। पुलिस के माने तो यह आरोपी खुर्जा के व्यापारियों को फोन कर अलग अलग स्थानों पर सामान मंगा लिया करता था और जब पैसे देने की बारी आती तो बिना पैसा दिए सामान लेकर ही फरार हो जाया करता था। वही ठगी का शिकार हुए व्यापारियों ने अलग अलग समय में तहरीर देकर कार्रवाई किए जाने की मांग की थी। वही पुलिस ने जाँच की और आरोपियों को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। वैसे जी पैसों की जरूरत थी, घर से मंगाते थे दुकानदारों से, ऐसे ही उनको कह के मंगा लेते थे जी। कैसे? कि सामान चाहिए, सामान वहाँ भेजना जी। फिर कैसे करते थे तुम? तो लेके चले जाते थे, पैसा नहीं देते थे? नहीं। और कहाँ कहाँ कराए ऐसा काम? और कहीं नहीं कराए। कितनी बार जेल गए हो पहले? नहीं गया जी। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने 7 गौ तस्करों को बलरामपुर बॉर्डर के पास से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने तस्करों के पास से एक कार, एक डीसीएम और 18 गौवंश सहित 7 एंड्रॉइड फोन और 10,000 रुपए की नकदी राशि भी बरामद की है। वही गिरफ्तार अभियुक्तों के ऊपर गौवंश निवारण अधिनियम सहित सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। कुछ दिन पहले मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि कुछ गौवंश तस्कर जो गौवंशों को लाद कर बलरामपुर से सिवान डिस्ट्रिक्ट ले जाने वाले थे। इस सूचना पर मेरे द्वारा एक टीम गठित की गई, जिसमें सर्विलांस टीम, एसओजी टीम और थाने की पुलिस को रखा गया। तीनों टीमों के ने रात में घेराबंदी कर एक गाड़ी पकड़ी डीसीएम, जिसमें 18 गौवंश थे और 7 आदमी गिरफ्तार किए गए। हरदोई के हरपालपुर इलाके में मामूली विवाद के बाद दो पक्षों में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है, जिसमें 8 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। बता दें कि पेट्रोल पंप पर डीजल लेने गए युवक के साथ मारपीट हुई और मारपीट में लगभग आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले में दोनों पक्षों की ओर से तहरीर लेकर जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। खबर आगरा से है, जहां आईपीएल सट्टेबाजों पर पुलिस का चाबुक चला है। बता दें कि पुलिस ने 2 सट्टेबाजों पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी पिछले कई सालों से आईपीएल में सट्टेबाजी का काला कारोबार कर रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 11 मोबाइल, एक लैपटॉप समेत नकदी भी बरामद की है। पुलिस लगातार सट्टेबाजों पर कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में कल एसओजी टीम और ताजगंज पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि बरौली अहिर के एक घर में आईपीएल पर सट्टेबाजी हो रही है। इस सूचना पर पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने छापेमारी करी और मौके से 2 अभियुक्त गणों को गिरफ्तार किया, जिनके नाम है अर्जुन यादव और करण यादव। इनके पास से 1 लैपटॉप, 11 मोबाइल फोन और 650 रुपए नकद बरामद हुए हैं। फरीदाबाद में इन दिनों गाड़ियों के साइलेंसर चुराने वाला गिरोह सक्रिय है, जो कि लगातार चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा है। ताजा मामला मुजेसर इलाके से सामने आया है, जहां बदमाशों ने 4 गाड़ियों के साइलेंसर चोरी किए हैं और मौके से फरार हो गए हैं। वही चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस मामले की अब जाँच कर रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की भी बात कही जा रही है। चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है, क्या था पूरा मामला सर? मामला यह है, हमारी फैक्ट्री के बाहर गाड़ियां खड़ी होती हैं पिकअप महिंद्रा बोलेरो, तो सुबह आके देखा तो उसकी ना साइलेंसर गायब था, और फिर उसके बाद कुछ पड़ोसियों ने भी बताया कि हमारी गाड़ियों के भी साइलेंसर गायब हैं। तो कल ऐसे किस्म से डकैत टाइम में, जैसे डकैती होती है ना पूरे शहर में या गाँव में, वैसे 5-6 गाड़ियों से साइलेंसर गायब हो गए। हाँ, ये अभी एक वारदात हुई है, कुछ गाड़ियों के साइलेंसर चोरी हुए हैं। पहले भी इस तरह की वारदात सामने आई थी और जिसमें पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है, हमारी क्राइम ब्रांच भी काम कर रही है इसमें, और अभी हमारे कुछ जैसे और नए अधिकारी भी आए हैं, वो यूनिट वाइज को देख रहे हैं। और डीसीपी क्राइम पहले उनके पास सेंट्रल का भी चार्ज था। यह रात को 7:20 पर मैंने तकरीबन ये खड़ी की, अब सुबह आके देख रहा हूँ तो उसमें से सिलेंसर चोरी हुआ पाया। कैसे पता चला आपके गाड़ी में सिलेंसर नहीं है? जब स्टार्ट किए तो आवाज करने लगी तो उससे पता लगा ही कि सिलेंसर चोरी हो गया। कितनी गाड़ियों से चोरी हुई है आज? ये हमारे पास में तो दोनों गाड़ी, 2 गाड़ियां इन 2 गाड़ियों में से हुआ है।
और बता रहे हैं आगे भी किसी फैक्ट्री से हुआ है। गाजियाबाद के चौनिका सिटी थाने में शराब के नशे में एक व्यक्ति ने अपने भतीजे पर ईंट से कई बार हमले किए हैं। इस हमले में युवा गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। वही शराबी व्यक्ति की ये दबंगई पास में लगे कैमरे में भी कैद हो गई है। घटना का वायरल वीडियो होते ही पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना टोनिका सिटी के पुस्ता चौकी के अंतर्गत खुशहाल पार्क के रहने वाले मौसा और भतीजा में आपस में लड़ाई हुई थी, जिसका कि एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें शकील ने ईंटों से वार करके शराब के नशे में और अपने भतीजे जो उसका भतीजा लगता है सादा उसको घायल कर दिया था। इसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए शकील को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई पूछी। खबर हरदोई से है, जहां मल्लावा इलाके में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई है। विद्युत लाइन की चपेट में आने से लिफ्ट मशीन में उतरे करंट से ये हादसा हुआ है। घटना की जानकारी होने पर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। वहीं परिजनों को भनक लगते ही पूरे परिवार में कोहराम मच गया है, जिसकी सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वही मृतक के परिजनों ने ट्रैक्टर चालक और मकान स्वामी पर आरोप लगाया है। वहीं तहरीर मिलने के बाद पुलिस अब मामले की जाँच में जुटी है। बुलंदशहर में रन फॉर अंबेडकर का आयोजन हुआ है। इस दौड़ में मशाल के साथ करीब 1000 बाबा साहेब के अनुयायी अंसारी रोड से स्याना तक दौड़े। वहीं हजारों लोगों ने करीब 35 किलोमीटर तक दौड़ लगाई है। इस आयोजन को ऐतिहासिक बनाने के लिए आयोजक मंडल के सदस्यों ने लगभग 2 सप्ताह पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी। बता दें कि 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती को खास मनाने की भी तैयारी कर ली गई है। हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश भर की तमाम बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।